आरडी शर्मा, चैप्टर 6, क्लास 10 का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिले मेरी ऑल वीडियोस की। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, शो दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। हैंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट, मुझे पता है, इट इज गिवन दैट क्या आइडेंटिटी होती है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे पास ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, हम इसका यूज करते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा मेरे को गिवन है, कितना गिवन है मेरे को, इसकी वैल्यू पी गिवन है, ठीक है। सिंस ये मेरे को गिवन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आ जाएगा यहां से, 1/p, ठीक है। ये मेरे को करना था प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो सेक थ्रीटा प्लस टेन थ्रीटा को इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो टेन थ्रीटा से टेन थ्रीटा कट जाएगा, 2 सेक थ्रीटा आ जाएगा, और कॉस क्या होता है, 1/sec होता है, तो वहां से हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, ऑन एडिंग, ठीक है। क्या हमें क्या पता है, सेक थ्रीटा प्लस टेन थ्रीटा इज इक्वल टू 1, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड, ठीक है। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सेक थ्रीटा प्लस टेन थ्रीटा प्लस सेक थ्रीटा माइनस टेन थ्रीटा इज इक्वल टू पी प्लस 1/p। सेक थ्रीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 मानेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1/p हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। देखिए ऊपर नीचे क्या कर देंगे, पी से मल्टीप्लाई, टेन थ्रीटा से टेन थ्रीटा कैंसिल, 2 सेक थ्रीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/p। सेक थ्रीटा क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस 1/2p, सेक थ्रीटा आ गया, ठीक है। सिंस कॉस थ्रीटा क्या होता है, 1/sec θ, तो कॉस थीटा क्या आएगा, 1/p² प्लस 1/2p, 2p कहाँ जाएगा, ऊपर, तो मेरे कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2p/p² प्लस 1, ठीक है। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, 1 - cos²θ होता है, उस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम साइन थीटा निकाल लेंगे। देखिए सिंस अगेन हमें क्या पता है, जो हमारा साइन स्क्वायर थ्रीटा होता है वो क्या होता है, 1 - cos²θ होता है, 1 - cos²2p/p² प्लस 1² 1 - ऊपर क्या आएगा, 4p², नीचे क्या आएगा, a² + b², a² p4 प्लस 1 + 2p². सिंस p² + 1² क्या होगा, p4 है ना, a का स्क्वायर, पूरा ही करके दिखा देती हूँ, प्लस 2 × p² × 1 + 1² ये आएगा, भाई p² + p4 + 2p² + 1 ये आया। एलसीएम लेंगे तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो नीचे आएगा p² + 4 + p² और ये आएगा p² + 1 + 2p² - 4p² p4 + 1 - 2p² / p4 + 1 + 2p², ठीक है। ये क्या है मेरा, साइन स्क्वायर थ्रीटा, ठीक है। अब देखिए ये मेरा बन रहा है p² - 1 का स्क्वायर,
और ये है पी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। भाई जब यहाँ पे प्लस टू पी है तो प्लस वन बन रहा है, जब माइनस टू पी होगा बीच में माइनस आ जाएगा, साइन स्क्वायर थ्रीटा स्क्वायर उधर जाकर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे वैल्यू आएगी ये, इट इज द वैल्यू ऑफ साइन थ्रीटा। ठीक है, ये को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आरडी शर्मा से है। होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।